पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को, तेरी यादें मिटाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र है 17, जब ही तो मेरे हाथ में कतरा। इतनी छोटी सी उम्र में दारू पी रहा हूँ, अपने बारे में नहीं तो अपने माँ बाप के बारे में ही सोच रहा। माँ बाप के बारे में? दारू की वजह से मैंने अपने भाई जैसे दोस्त को खोया है। अनुराग, ये क्या हालत बना के रखा तुमने? और तू फिर से पीने लग गया? ये अनुराग, तू ये कितनी बार मना किया मत पिया कर मत पिया कर, तुझे समझ नहीं आता है? हर बार बिना पिए चैन ही नहीं आता, जब तक पियो ना तब तक बेचैनी से बनी रहती है। या ये पागलों वाली बातें मत किया कर मुझसे, पता नहीं आजकल कहाँ से बेतुकी बातें ला रहा है। चल ये बॉटल फेंक। अनुराग तुझे याद नहीं है हम कैसे मिले थे? तूने मेरी दारू छुड़वा दी लेकिन खुद नहीं छोड़ पा रहा है। अरे भाई आराम से, पागल वागल हो क्या? देख के चला करो भाई, हम पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार तो हो सकते हैं पर दारूबाज नहीं होते। पर अगर तुम वाकई पढ़े लिखे हो ना तो ये लो मेरे विजिटिंग कार्ड, कल सुबह आके मेरे ऑफिस में मिल लेना और देख के चलो यार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है सर, कल वो थोड़ा सा होश नहीं था। एक बात समझ में नहीं आती कि इतनी ड्रिंक क्यों करते हो, आखिर अपने नहीं तो अपने माँ बाप के बारे में तो सोचो। जिम्मेदारियाँ सर, आप तो बेहतर जानते हैं। गांव में एक बूढ़ी माँ है और बहन है जिसकी शादी की जिम्मेदारी मेरे ही सर पर है। बस गाँव से शहर आया था कि यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी और सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन पढ़े लिखे को नौकरी देता ही कौन है। बस उसी प्रेशर में आके कभी कभी ड्रिंक कर लेता हूँ। अगर तुम ड्रिंक करना बंद कर दो तो शायद तुम्हारी जॉब लग जाएगी। सर ड्रिंक करना है क्या? मैं आज से दारू की तरफ देखूंगा भी नहीं। हाँ गुड, कल से तुम ज्वाइनिंग कर सकते हो और आज से हम दोनों दोस्त भी हैं। कैसी बात कर रहे हैं सर, कहाँ आप और कहाँ मैं? आप इतने अमीर और मैं गरीब, हम दोनों के बीच दोस्ती कैसे हो सकती है? दोस्ती में गरीबी मेरी नहीं देखी जाती, बस दिल मिलना चाहिए, समझे? जी सर, तो मैं कल से ज्वाइनिंग कर लेता हूँ। हाँ कल से ज्वाइनिंग करो। थैंक यू सर। ओके। देख अनुराग, उस दिन तूने मेरी दारू तो छुड़वा दी पर आज तो पी रहा है। अच्छा ठीक है मेरे भाई, आज के बाद नहीं पीऊंगा। खुश, अब घर चले, कल ऑफिस भी जाना है। लेकिन गाड़ी मैं चलाऊंगा। अच्छा ठीक है। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। हाँ ठीक है। अनुराग इस एग्रीमेंट पे साइन कर यार, और कल अपनी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, याद है ना? यार पार्थ तू ही साइन कर लेना इस पे। तूने आज फिर से ड्रिंक किया? नहीं ड्रिंक नहीं करी है, बस थोड़ी सी पियो, गले में खराश था ना, देख बदबू नहीं आ रही तेरी कसम, थोड़ी सी। अनुराग ये बहुत हुआ, ठीक है? मुझे नहीं रखना था ऐसा दोस्ती, मैं तेरी ये दोस्ती और ये नौकरी दोनों छोड़ कर जा रहा हूँ। पार्थ यार, पहले भाऊजी ने छोड़ा, फिर माँ छोड़ के चली गई, तू भी छोड़ के जाने की बात करता, तुझे तो पता तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है ना। यार तो मैं क्या करूं, तू इतनी पीने लगा है कि मैं यार नहीं देख सकता मैं तुझे ऐसी हालत में। अच्छा ठीक है, मैं तुझे प्रॉमिस करता हूं आज के बाद पीना बंद। मेरी कसम खा के बोल। तेरी कसम खा के आज के पीना बंद, बिल्कुल नहीं पीऊंगा।
ठीक है भाई, तो कुछ खाएगा? मुझे बहुत ही भूख लगी है। नहीं यार, तू ही कहा, मैं ना घर निकलता हूँ, मुझे बहुत थकावट सा फील हो रहा है। चल अच्छा, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। वैसे तूने बहुत पिया है, कार मत चलाना। अरे पागल है क्या, थोड़ी सी पी है, बिल्कुल होश में हूँ, इतना परेशान मत हुआ कर। वैसे भी ऑफिस में बहुत काम है, तू काम संभाल, मैं तेरे शाम में मिलता हूँ। पक्का ना? हाँ पक्का, मैं चला जाऊँगा और शाम को मिलता हूँ तेरे से, ठीक है? काम कर ले जा रहे, पहुँच के मुझे कॉल कर देना। ठीक है भाई। पर आपको भी अगर बात समझ में आई हो तो प्लीज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव।